खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मल्ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकते हैं। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मल्ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मल्ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदा नाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एकर अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमल्ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटेटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटेटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हावय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटेटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में। नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करैया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज्यादा रस की मात्रा है, ज्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए, एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बुआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवे। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवे। जानकारी देवत रवि भैया बताते कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई की व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आये हवे और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 की आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार।
संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ह चना गेहूं के संगे संग धान के खेती ला ज्यादा मात्रा में करते, फिर परंपरागत खेती के संगे संग साग भाजी के खेती ला घलोक अपनावे तो संगवारी हो ओमे उमन ला और ज्यादा आमदनी मिल सकत है। यही उद्देश्य ल लेके आज हमन जानकारी लेबो प्याज के सुघर खेती के बारे में। संगवारी हो प्याज के खेती अब्बड़ फायदा वाला खेती है, काबर की ये कंद वर्गीय फसल है और एकर मांग है बाजार में बारह महीना बने रही थे और यह साग भाजी के संगे संग एक प्याज में औषधि गुण घलोक भरपूर मात्रा में पाए जाते संगवारी हो। तो एकर खेती ला आप मन सुघर ढंग ले करके आधुनिक विधि उन्नत तकनीक ला अपना के हमर किसान भाई मन ये खेती ला अपनाए तो निश्चित रूप में संगवारी हो कर आमदनी में वृद्धि हो सकत है। तो प्याज के सुघर खेती ला हम कैसे ढंग ले करबो जेमे हमला ज्यादा फायदा हो ज्यादा आमदनी हो आओ संगवारी हो एकर जानकारी लेवन। शल्क कंदी फसलों में प्याज का स्थान कुछ खास है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। ये एमरालिडेसी कुल का एक सम्माननीय सदस्य है। रोजमर्रा खान पान में एक सशक्त भूमिका निभाने वाले प्याज की खेती हर जलवायु में की जा सकती है, बस जरा सावधानी और सजगता से काम लिया जाए तो हमारे राज्य में भी प्याज का अतुल उत्पादन संभव है। अगर इसके लिए आदर्श जलवायु और वातावरण की बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु यानी न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा सर्द वातावरण प्याज की फसल के लिए सर्वोत्तम होता है। इस मान से हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्याज के उत्पादन के लिए अनुकूल माना जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर प्याज की खेती पर तापमान का गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 27 सेंटीग्रेड तक का तापमान कंद में अच्छी बढ़त लाता है और फल पकते समय का तापमान अगर 30 से 35 सेंटीग्रेड मिल जाए तो और भी बेहतर होता है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि तापमान की दृष्टि से भी प्रकृति ने छत्तीसगढ़िया किसानों को ये सौगात दी है कि वे प्याज का वृहद पैमाने पर उत्पादन करें। प्याज की सफल खेती के लिए 5.8 से 6.5 के बीच के पीएच मान वाले जीवांश युक्त हल्की दोमट या बलुई दोमट भूमि को श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात भी हमारे लिए हर्षवर्धक है क्योंकि हमारी मिट्टी इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। खेत की तैयारी के तहत सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, फिर पाटा चलाकर मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ लें और मांदा का निर्माण करें। फसल विविधीकरण की चल रही नई हवा ने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान प्याज की तरफ भी किया है और कई जगहों पर इसका भरपूर उत्पादन भी हो रहा है। प्याज की प्रजातियों का विभाजन उनके रंगों के आधार पर भी किया जा सकता है और इसके लिए 3 विभाजन प्रमुख हैं। लाल रंग की किस्म में उन्नत किस्म के प्याज की प्रजातियों के नाम हैं पूसा रेड, पूसा माधवी, पंजाब सेलेक्शन, अर्का निकेतन, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, कल्याणपुर रेड, अर्का प्रगति, अर्का बिंदु, हिसार वगैरह। पीले रंग की किस्मों के नाम इस तरह से हुआ करते हैं अर्ली ग्रीन, ब्राउन स्पेनिश, फूले स्वर्णा वगैरह। सफेद रंग के प्याज की किस्मों के नाम हैं पूसा व्हाइट, पूसा राउंड, पूसा फ्लैट, फूले सफेद, उदयपुर 102 और पंजाब 48। किसान भाई हो प्याज के खेती ल जब हम करथन तो सिंचाई व्यवस्था ल घलोक बने चेत लगा के करे ल पड़थे। जतेक अच्छा ढंग ले सुघर अकन ले हमन सिंचाई के व्यवस्था ल करबो, पानी ल सुघर ढंग ले पलाबो तो उतके अच्छा हमर फसल ह लहलहाही और ओकर बढ़वार ह घलोक अच्छा रही। किसान भाई हो प्याज के खेती में हम पानी ल कैसे ढंग ले पलाबो, कैसे कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई व्यवस्था ल करबो आओ देखन और जानकारी लेवन। प्याज के लिए आवश्यक सिंचाई प्याज की अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के बाद तुरंत कर देना चाहिए। रबी के प्याज के लिए समय समय पर 10 से 12 सिंचाई की दरकार होती है। गर्मी में 1 सप्ताह के अंतराल में और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई देनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खेत में नमी बनी ही रहे, अन्यथा उपज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रबी की फसल में जब पत्ते पीले होने लगें
तो 15 दिन के लिए सिंचाई रोक देनी चाहिए, जिससे शीर्ष पत्ती सूख जाए और खुदाई करके उपज निकाली जा सके। प्याज के लिए सिंचाई की व्यवस्था अगर ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति के द्वारा किया जाए तो अच्छा होता है। संगी हो, फसल के उत्पादन ला बढ़ाए खातिर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। जतेक सुग्घर ढंग ले हम खाद देवो उतके अच्छा फसल के उत्पादन मिली। खेते खाद न दिया किसान रहा सदा दरिद्र समान, कहे गए संगी हो। तो प्याज के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देना चाहिए, आओ जानन। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के अनुसार प्याज की खेती के लिए 300 से 350 क्विंटल अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रक्षेत्र में प्रक्षेत्र तैयारी के समय ही मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नत्रजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के साथ या रोपाई के पहले भूमि में मिला देना चाहिए। शेष आधी नत्रजन दो बार में, पहला रोपाई के 30 दिनों के बाद और दूसरा 45 दिनों के बाद छिड़काव के साथ दें। प्याज की फसल में खरपतवार को निकालना आवश्यक होता है, अन्यथा उपज काफी प्रभावित होती है। इसको नियंत्रित करने के लिए रोपाई से पहले 2 किलोग्राम बासालिन प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में छिड़क कर मिला दें और 45 दिनों के बाद एक निंदाई करके खरपतवारों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए 2.5 किलोग्राम टेनोरान प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद छिड़काव किया जाना अनुशंसित है। संगी हो, प्याज के खेती में समय समय में कुछ रोग राई घलोक लग जाते और कीड़ा मकोड़ा घलोक ये खेती ला नुकसान पहुंचा सकते। जेकर संगवारी हो किसान भाई मन ला समय रहते एकर रोकथाम के जानकारी लेना अब्बड़ जरूरी होते। नई जानकारी ले ले और मन ला नुकसान घलोक हो सकते। तो संगी हो, ये में कौन कौन से बीमारी लग सकते और एक रोकथाम ला हमन कैसे ढंग ले करबो, आओ जानकारी लेवन। प्याज की फसल में पाए जाने वाले बैंगनी धब्बा रोग सबसे प्रमुख रोग होते हैं। इस रोग में पत्तियों पर आरंभ में पीले से सफेद धसे हुए धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग बैगनी रंग का होता है। ये रोग तीव्रता से बढ़ता है और पत्तियों से फैलकर बीज के स्तंभों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुप्रभाव से शल्क कंदों का विगलन हो जाता है और प्याज का भंडारण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इस दरमियान प्याज अत्यधिक मात्रा में गलने लगता है। ये रोग अल्टरनेरिया पोरेई नामक फफूंद से उत्पन्न होता है। ये रोग प्याज की रोपाई के लगभग एक माह पश्चात ही दिखाई देने लगते हैं। इस रोग की इस आरंभिक अवस्था में ही कोई फफूंद नाशक दवा जैसे कापर ऑक्सीक्लोराइड का वैज्ञानिक विधि के इस्तेमाल करके इस रोग से निजात पाया जा सकता है। बैगनी धब्बा रोग से बचने का एक और भी आसान मगर कारगर उपाय यह है कि पैदावार के लिए सहनशील किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए, जैसे नासिक 53, एग्रीफाउंड लाइट रेड या अर्का कल्याण। प्याज का उपयोग हरी पत्ती सहित और सूखी दोनों ही अवस्थाओं में भरपूर होता है और इन दोनों ही अवस्थाओं में थ्रिप्स नामक कीट के प्रकोप से बहुत नुकसान होता है। ये कीट पत्ती के बाह त्वचा को खरोच कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर असंख्य छोटे छोटे सफेद धब्बे बन जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। समय रहते अगर हमारे किसान भाई इस कीट का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो कंदों में निरुपता आ जाती है, साथ ही लगभग 25% तक उपज में कमी आ जाती है। इस कीट का प्रकोप मार्च से मई तक खास तौर पर होता है। पगला दीवाना रे रे पगला दीवाना गा रे पगला दीवाना रे रे
पगला दीवाना ना रे पगला दीवाना रे रे पगला दीवाना ना कहीं के आए काम बुलाए रे पगला दीवाना गाए पगला दीवाना राम जी के तुला दे गाए पगला दीवाना रे पगला दीवाना गारे पगला दीवाना रे पगला दीवाना जी पगला दीवाना हरि राम के तुला दे गाए पगला दीवाना राम जी के तुला दे गाए पगला दीवाना पेटे मतहारे हे हाथे जोड़े प्रभु तैहा के हे माता के पेटे मतहारे हे हाथे जोड़े प्रभु तैहा के हे नरक ले मोला निकाल दे हरी दुनिया में तोरे गुण गाहू के हे नरक ले मोला निकाल दे प्रभु दुनिया में तोरे गुण गाहू के हे वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना रे पगला दीवाना ना रे पगला दीवाना रे पगला दीवाना ना रे पगला दीवाना जी वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना तोरे आगे जवानी गली गली मत मारी चलानी देखे देखा तोरे आगे जवानी गली गली मत मारी चलानी या के माथे में टुटा बंधा गिरी पगला दीवाना या के माथे में टुटा बंधा गिरी पगला दीवाना रे पगला दीवाना रे रे पगला दीवाना गा रे पगला दीवाना जी रे पगला दीवाना ना वादा करके आए कामा बुलाए रे पगला दीवाना सिया राम जी के तजुला ले जाए पगला दीवाना We'll be right back.
संगी हो, ये तो रही प्याज के खेती के बारे में सुग्घर अकन ले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये फसल ला अपना के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ, बढ़िया आमदनी कमाओ। संगवारी हो आज के अंक में बसत के, अब ये अंक में फिर इसने सुग्घर सुग्घर जानकारी लेके आप मन संग गुड बात ला करबो। तब तक बार अपन ये संगवारी ला देवो विदा। जय जोहार।